जन्म जन्म का रिश्ता है हमारा तय। जहां रहा हूं तू वहां वहां आई हो। साई, इसलिए मेरा शिरडी आना हुआ। इस जन्म में भी वो सिलसिला कायम रहा। हाँ, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं अपने साथ राखी नहीं लाई। बहन के मन की इच्छा पूरी करना भाई का कर्तव्य है। इसीलिए तो ये थाली तैयार की है। साई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेटी। साई को मैंने अपना बेटा माना है। तो इस नाते तुम मेरी बेटी हुई। तुम्हारे स्वागत में ही तो ये सारी तैयारियां की हैं। भाई, इस जन्म में अब तक मेरा कोई भाई नहीं था। आपने फिर से इस जन्म में वो कमी पूरी कर दी। मैं समझी आप मुझे शिरडी क्यों बुला रहे थे। भाई, राखी की रस्म पूरी करते हैं।
तक मैंने हर भाई दूज और राखी को भाई की कामना की थी, लेकिन मुझे पता नहीं था मुझे आप जैसा भाई मिलेगा। आपने मेरी बचपन की इच्छा पूरी कर ली। अब इस राखी के तोहफे की बारी है। नहीं, आपने मुझे इतना बड़ा रिश्ता दे दिया, अब मैं आपसे क्या मांगू। भेंट महंगी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बेशकीमती है। आज के बाद जब भी यहां आना, हर मुलाकात में उदी लेके जाना, भविष्य में काम आएगी। सौभाग्य है मुझे आप जैसा भाई मिला। भाई तो नहीं बन पाए, पर बहन होने की इच्छा पूरी हो गई। जी बड़े दयालु हैं ताई, अगर मन में श्रद्धा और सबूरी हो तो हर कामना पूरी होती है। राम जी भला कर। रस्म ने तो मेरी बरसों की तमन्ना पूरी कर दी। रस्म भी पूरी नहीं हुई है ताई। चंदू। जी सर। हाथ आगे करो। खुशबू तो कुछ जानी पहचानी सी है। हिना की खुशबू है। तो
इत्र आपके लिए खास मंगवाया है सही। भाई, ये खुशबू याद रखना हमेशा। हो सकता है आगे चल के मददगार सिद्ध हो जाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मैंने तो आपको राखी बांधी है। लेकिन मैंने तो नहीं बांधी। लेकिन राखी तो बहन अपने भाई को बांधती है ना। सिर्फ बहन भाई को राखी क्यों बांधे? तो मान लेना हुआ कि बहन भाई पर आश्रित है। क्या बहन भाई की रक्षा नहीं करती? क्या भाई को उसकी जरूरत नहीं पड़ती? रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। कोई एक पुकारे तो दूसरे को आना ही है। दोनों एक दूसरे को एक जैसा प्यार और सम्मान देते हैं, तो फिर राखी बांधने की रीत केवल बहन ही क्यों निभाए? मैं धन्य हो गई। अगर मुझे पता होता शिरडी आने पर आपके रूप में मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है तो मैं कब के आ चुकी होती। सिर्फ भाई नहीं, आज और भी कई रिश्ते बने हैं तुम्हारे। भाई साहब, आपने कहा ना कि मेरी बहन होने के नाते ये आपकी भी बेटी हुई। और चूताई, इस नाते ये आपकी भी बहन हुई। हाँ, आप अपनी बेटी और बहन की ओटी नहीं भरेंगी? शिरडी एक परिवार है और जो भी यहां मुझसे जुड़ता है इस परिवार का एक सदस्य बन जाता है। आज एक नया सदस्य इस परिवार से जुड़ने जा रहा है, तो उसका स्वागत तो होगा ही ना।
दूर से आई हो, अब कुछ खा लो। हाँ, तुम्हारे लिए साई ने खास अपने हाथों से कढ़ी और चावल बनाया है और सेवैयां भी बनवाई हैं। कढ़ी, चावल और सेवैयां, ये तो मेरे मनपसंद पकवान है। साईया, आपको कैसे पता? अब इसकी आदत डाल दीजिए चंद्रा तई, क्योंकि जब कोई दिल से साई का हो जाता है, साई उसकी हर पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं। चलिए मैं खाना लगाती हूँ। साहब, बड़े बाबू अभी व्यस्त हैं। मैं यहाँ 4 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ और उनके पास मुझसे मिलने के लिए समय नहीं है। इतना व्यस्त तो मैंने उन्हें पहले कभी नहीं पाया। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, तो फिर वो क्यों देर कर रहे हैं? साहब, मैं तो सिर्फ संदेश दे सकता हूँ। मिलना ना मिलना तो बड़े बाबू पर है। मैंने आपका संदेश उन तक पहुँचा दिया है। जब वो आपको बुलाएंगे तभी मैं आपको अंदर जाने दे सकता हूँ। मैं मूर्ख हूं क्या जो इतना भी नहीं समझूंगा कि जानबूझकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है? ये लोग भ्रष्टाचार में इतने अंधे हो गए हैं कि कुछ पैसे कमाने के खातिर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। सच मेरे साथ है, मेरे इरादे नेक हैं। मैं अपनी बात मनवा कर ही रहूंगा, चाहे मुझे कितना भी समय यहां इंतजार क्यों न करना पड़े। तुम दोनों के रहने की व्यवस्था तात्या ने कर दी है। हाँ ताई, जब तक आप चाहें वहां रह सकती हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कहिएगा, वो भी बेझिझक। क्या हुआ ताई? कुछ नहीं, कि याद आई। काश इस वक्त वो हमारे साथ यहाँ होते। कौन कब कहाँ रहेगा, कौन कब कहाँ जाएगा, ये सब मालिक की मर्जी है ताई। श्रद्धा और सबूरी रखो, सब भला होगा। साई को कैसे बताओ कि उनका अपने गुस्से पर काबू ना रख पाना मेरे लिए कितनी बड़ी चिंता है। मुझे तो यहाँ आके भी लग रहा है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे।